कलाकार कला की दुनिया में नाम कमाता है, शोहरत कमाता है, लेकिन इन सब से जिंदगी नहीं चलती। श्री वल्लभ के इलाज में लगे परिवार को सिवाय आमिर के किसी ने मदद नहीं की, सरकार ने तो कतई नहीं। श्री वल्लभ की दो बेटियां उनसे लाड कर रही हैं। उनसे अब नाना पूछ रही हैं। कोशिश ये है कि पापा कुछ बोलें। क्योंकि 50 फिल्मों में अपनी जानदार आवाज और अभिनय के कारण जाना जाने वाला कलाकार यूं चुपचाप अच्छा नहीं लगता। लंबी बीमारी में इलाज भी लंबा चलता है। कहां से जुटेगी इतनी रकम? परिवार को तो सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं। इतने दिन हो गए, इतने मैंने इंटरव्यू दे दिए, इतने पेपर में आ गए, उसके बावजूद भी अगर सरकार को नहीं, तो मुझे सरकार से मांगना कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इनके लिए कह रही हूँ कि एज एन एक्टर, इतना अच्छा एक्टर है वो, और उनके लिए कुछ करना चाहिए, उनके सम्मान में कुछ होना चाहिए। टीवी एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन ने सहायता के नाम पर सिर्फ 10,000 रुपए दिए थे, जबकि बात 50,000 रुपए की हुई थी। हाँ, एक शख्स ऐसा था जिसने मुसीबत में परिवार की मदद की। जयपुर आने पर लगान के भवन ने परिवार को ईश्वर की मदद का भरोसा दिया और मदद भी। मार्च में जब बीमार पड़े, मैंने तुरंत आमिर को फोन किया। आमिर ने अमेरिका से मुझे फोन किया कि किसी भी तरह की चिंता मत करना, आप मिस्टर राव से बात कर लेना, पैसों की वगैरह जो भी जरूरत हो आप एक बार फोन कर लेना। राव साहब का मेरे पास फोन भी आया था, उन्होंने जो हेल्प भी की उन्होंने हमारी। ये तो आमिर का बड़प्पन है जो उन्होंने अपने साथी कलाकार को याद रखा, लेकिन उस सरकार का क्या या उनके मंत्रियों का क्या जो बजट में कलाकारों के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं। फिल्मों से प्रेम इतना कि फिल्मों में भी एक्टिंग कर लेते हैं, लेकिन मदद के समय नदारद देखते हैं। मानिक भट्टाचार्य, सहारा न्यूज़, जयपुर।